कर्क राशि वालों, एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। कर्क राशि वालों, इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि नवरात्र के ठीक बाद वैदिक ज्योतिष के अनुसार अलौकिक खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जिसके चलते कर्क राशि में एक बड़े प्रभाव का अनुमान लगाया जा रहा है और महाबदलाव की आहट सुनाई दे रही है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कर्क राशि वालों, हमारे पिछले सूर्य राशि परिवर्तन की वीडियो में, मंगल राशि परिवर्तन की वीडियो में, मार्गी शनि की वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने भविष्यवाणी की थी। इस दुनिया में वायुयान की दुर्घटनाएं घटित होगी, भूकंप के कारण जानमाल का नुकसान होगा, राजनीति में भी भूचाल आएगा, तो यह भविष्यवाणी शत प्रतिशत सही होती जा रही है। यहाँ पर भी मैं बड़ी जानकारी भविष्यवाणी करने वाला हूँ, तो आखिर तक यह वीडियो जरूर देखिए। कर्क राशि वालों, आने वाले समय में यानी कि 17 अक्टूबर 2021 रविवार को 1:12 पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि को छोड़कर अपने निच राशि तुला में महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार भी यह परिवर्तन के कारण कोविड के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, शेयर बाजार में बड़ा हंगामा होगा, तो त्रासवाद और महाभयंकर त्रासदी होने की भी संभावना बन रही है। जहां चार राशियों के जीवन में त्राही त्राही मचने वाली है, तो वृषभ राशि वालों, आपके बहुत सारे कार्य होने वाले है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के लोड होकर सुख भवन में स्थित है, तो उनकी त्रिपाद दृष्टि प्रेम भवन और आकस्मिक धन भवन पर पड़ रही है, जिसके ही कारण आपके जीवन को लेकर मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो आइए जानते हैं 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में कौन से वह अधूरे कार्य है जो पूर्ण होने जा रहे है। सूर्य का चतुर्थ भवन में गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। जहां परिवार का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, तो जीवन साथी के सहयोग से भी परिवार में शांति स्थापित करने में सफल रहेंगे। यहां पर मैं एक बात अवश्य कहूंगा, स्थायी संपत्ति में कुछ फेरबदल के योग बन रहे हैं, तो नई संपत्ति खरीदना बेचना आपके लिए लाभदायक रह सकता है। जी हाँ, जहाँ कार्य क्षेत्र व्यवसाय में कुछ बड़े बदलाव होंगे जो आपके लिए धन का लाभ लेकर आएंगे। जिनकी नैया डूब चुकी है, पैसे फंस चुके हैं, सागर के बीच बिना मझधार के खड़े हैं, तो मान के चलिए सूर्य का यह परिवर्तन आपके जीवन में नया उजाला लेकर आया है। अच्छे कार्य के अवसर मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको कार्य के ऑफर मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होगा, बड़े सौदे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी जातक है, स्नातक से जुड़े हुए है, मेडिकल, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो आपकी एक बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस समय में आप परिश्रम के दम पर कामयाबी हासिल करेंगे, देश विदेशों में भी अपनी यश कीर्ति फैलाने में सफल रहेंगे, तो विशेष रूप से आयुर्वेद होम्योपैथी जातक इस समय लाभ में रहेंगे। जहां एक ओर आपकी शक्ति प्रतिष्ठा सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो दूसरी ओर जो कार्य के लिए तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अभी तक जिनको नौकरी नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें नौकरी मिलेगी, कार्य का अवसर मिलेगा, आपको गुप्त जगह से भी धन लाभ प्राप्त होगा, चाहे वो शेयर बाजार में किए गए निवेश से आकस्मिक धन लाभ के रूप में प्राप्त हो, या फिर पुरानी प्रॉपर्टी का अधिकार मिलने से लाभ प्राप्त हो, या फिर खुद का कारोबार शुरू करने के रूप में पार्टनरशिप से मिलने वाले लाभ के रूप में, या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में स्थित होकर कार्य के अवसर के रूप में या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट के रूप में लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। जी हाँ, आप माने या न माने, अब मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने वाले है। आप जो भी कुछ करेंगे उसमें उचित और अंदाज का एक स्पर्श होगा, जिसके ही चलते आप नई परियोजनाओं को ठोस शक्ल दे पाएंगे, तो व्यवसाय में जबरदस्त वित्तीय बदलाव लाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हुए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस समय आपको बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप नया कार्य का प्रारंभ करेंगे, तो धन से जुड़ा हुआ लाभ भी होगा। यदि आप लोन के आवेदन देना चाहते हैं, तो वह मंजूर होगी, शासन प्रशासन से जुड़ी मंजूरियां मिलेगी, तो सिंगल जीवन व्यतीत कर रहे उन्हें भी नए साथी की प्राप्ति होगी। जहाँ सूर्य का यह गोचर आपको प्रेम सुख से मंचित नहीं रखने देगा, इस समय किसी अजनबी कली के साथ आपके रिश्ते पनप सकते हैं, तो आपकी शादी से जुड़ा हुआ बड़ा समाचार मिलेगा। विशेष रूप से संतान से वंचित जातक प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, तो सूर्य का गोचर आपको संतान से जुड़ा लाभ प्रदान करेगा, तो वही जो शॉर्टकट अपनाने की सोच रहे हैं
प्रयत्न कर रहे उन्हें मैं सलाह देता हूँ, सीधी राह पर चलेंगे तो उससे ज्यादा लाभ होगा, वरना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कुंडली में कई बड़े बड़े दुर्योग हैं जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ मिलेगा तो उन्हें मिलेगा जो विदेश से जुड़े हुए हैं, हाँ, जो विदेश जाना चाहता है। जी हाँ, इस समय शिक्षा प्राप्ति या फिर धन प्राप्ति हेतु विदेश जाना चाहते हैं तो जाने में सफल रहेंगे। विदेशों में अपना कारोबार करते हैं या फिर करना चाहते हैं, उन्हें भी एक अवसर मिल सकता है। इसके साथ साथ धार्मिक कार्य अनुष्ठान भी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। खासकर आप पुरानी नौकरी करके थक चुके हैं, जो बदलना चाहते हैं, तो यकीनन मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनल कंपनी से आपको कार्य का ऑफर मिलेगा। तो इस समय आपकी नौकरी लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी में भी तब्दील हो सकती है। धन योग बन रहा है जो आपको मालामाल करेगा, छप्पर फाड़ के धन भी प्रदान करेगा। हालांकि सूर्य के इस गोचर में दुर्घटनाएं, खराब स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकते हैं, गुप्त तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। इस समय आपके प्रेम संबंध विच्छेद होने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए प्रेमी अपनों के साथ संबंधों को बनाए रखे, अच्छे से बनाए रखे, ये मैं सलाह भी देता हूँ। जय गुरुदात्त।